लाइफ ऑफ अ कॉमी शेफ इन होटल्स, एक होटल में एक कॉमी शेफ की लाइफ कैसी होती है। आप लोगों के मन में भी बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि आपका ये फ्यूचर होने वाला है। आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो और आप एक ना एक दिन कॉमी थ्री के रूप में, कॉमी टू या कॉमी वन के रूप में किसी एक होटल में ज्वाइन करोगे। तो आपकी पूरी जो दिनचर्या क्या होने वाली है, क्या आपके साथ रियलिटी में वहाँ होने वाला है, मैं आपको पूरा यहाँ पे डिस्कस करके बताने वाला हूँ। कई सारे लंबे चौड़े मैंने पॉइंट्स बना के रख लिए हैं जो कि आपको वहाँ की एक्चुअल तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर, ये जो मैं पॉइंट्स बताऊँगा, आप लोगों को डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये पॉइंट्स हैं आपको समझाने के लिए कि आपके साथ ये होने वाला है। आपके मेंटल जो प्रेशर होता है आप लोगों के ऊपर, ये आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए सारी चीज़ें हैं। और इन चीज़ों का सलूशन भी है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ों से अगर आप जूझेंगे या ये सारी चीज़ें आप सहेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो चलिए, तो आप अगर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, JT करने जा रहे हैं, IT करने जा रहे हैं, या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हो सके तो अपने जो कॉलेज के जो जो प्रोफेसर्स हैं, ठीक है जी, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और जो कौमी लेवल के शेफ या शेफ लोग जो भी देख रहे हैं, वो अपने मैनेजमेंट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको पता चले कि भाई एक कौमी को होटल के अंदर क्या क्या सहना पड़ता है और उसकी लाइफ कैसी एकदम हो जाती है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर कौमी लेवल की बात करें तो भैया ड्यूटी आवर्स की बात होगी सबसे पहले। तो 12 घंटे तो आप मिनिमम लगा लीजिए, आपको 12 घंटे तो यहाँ ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये मिनिमम कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कभी कम भी हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे आपकी जो शिफ्ट होंगी वो ब्रेक होंगी, आप सुबह आ रहे हैं, शाम को भी आ रहे हैं, बीच में जाके सो जा रहे हैं, कभी मॉर्निंग लगी है आपकी अचानक से, उसके बाद दूसरे दिन सीधा पूरे दिन मॉर्निंग से लेके नाइट तक छुट्टी, और फिर नाइट ड्यूटी लग गई, फिर आफ्टरनून लग गई, तो आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। क्योंकि इससे पहले आप घर में आराम से कॉलेज में थे और सुबह जाते थे और दिन के टाइम अपने घर वापस आ जाते, तो बड़ा ही अनयूजुअल हो जाता है। इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता है वहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने का, या कभी कभार आप बीच में कर लेते हो, या फिर कुछ खाने को मिलता है वो बिल्कुल ठंडा, जबकि आप बिल्कुल आप खाने के बीच में हो, होटल में काम कर रहे हो, तब भी आपको खाने का मौका नहीं मिलता। और ये सारे एक्सपीरियंस मैं अपने खुद के बता रहा हूँ, ये सारे मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस हैं जो कि मैंने खुद सही है। इसके बाद आपको अपने जो सीनियर शेफ्स की होती है बहुत गंदी गंदी गालियाँ सुनने को मिलती है, आपके सीनियर आपको बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं आपके बारे में, काम नहीं आता है, काम नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। इसके बाद आपको थका देने वाला काम करना पड़ता है, भारी भारी स्टोर लाना, भारी भारी सामान लाना, आपके ऊपर बहुत सारा ढेर सारा वर्क प्रेशर होता है कि भाई ये भी काम ख़त्म करना है, वो भी काम ख़त्म करना है, ये मीज़ा प्लस करना है, वो मीज़ा प्लस करना है, रात को पार्टी है, लाइव काउंटर में भी खड़ा होना है, तो ये सारा का सारा आपके ऊपर वर्क प्रेशर वहाँ पर होता है। इसके अलावा आप लोगों को नींद नहीं आती है, आपको पूरी नींद नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऑलरेडी 12 घंटे आप ड्यूटी कर रहे होते हो, घर पहुँचते पहुँचते 1-1.5 घंटा लग जाता है, लगभग 13-14 घंटे आपकी ड्यूटी का पूरा टाइमिंग अगर आप लगाओगे पूरा तो इतना हो जाता है। उसके बाद जब रात को आप जाके सोते हो तो दिन में आपको दिन का वही याद आ रहा है कि भैया मेरे को तंदूर पे रोटियां लगानी है, मुझे प्याज छिलना है, मुझे स्टोर लाना है, तो रात को सपनों में भी वही सारी चीज़ें आती है जो कि आप होटल में आपने दिन में करके आए हो। इसके बाद आपकी जो यूनिफॉर्म होती है उसमें से गंदी बदबू आती है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि भैया मैं जाके लॉन्ड्री से चेंज कर लूँ, आप सेम लॉकर रूम में जाके वही पहनने लग जाते हो, आपके जूतों से बदबू आती है, आपके पास समय नहीं होता है कि आप अपने जूतों के जुराब बदल लो या अपने जूते भी साफ कर लो। इसके बाद आप मन ही मन में अपने सीनियर्स को गाली देते हैं, अपने आप को खुद को गाली देते हैं, भाई मैंने ये क्या कर लिया, मैंने किस इंडस्ट्री में मैंने कदम रख लिया है, यहाँ तो सब कुछ बड़ा ही अजीब है, देखने में तो बाहर से लगता था कि एक शेफ आता है, सफ़ेद कोट पहनता है, काले उसके बटन होते हैं, और खाना बनाता है और वो हंसता है, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, पर यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा है, यहाँ तो मुझे इन लोगों को गाली देने का दिल कर रहा है और अपने आप को भी गाली देने का दिल कर रहा है कि मैंने इस इंडस्ट्री में क्यों कदम रख लिया। इसके बाद आपका दिल करता है कि भाई मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूँ, मेरे मन में भी ये विचार आया था कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूँ, मैं इस इंडस्ट्री को क्विट कर दूँ, मेरे से यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपके कमर में दर्द रहने लग जाएगा,
आपका भारी भारी सामान उठाएंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा कि एक्चुअल में जो हमें लिफ्ट करना होता है सामान, स्टोर्स लाने होते हैं, हमें किस तरीके से उठाना है, आप अजीब गरीब ढंग से उठाते हो, जो ट्रॉलीज होती है आप उनको चलाते हो तो आपकी बैक में प्रॉब्लम आने लग जाती है अगर आप सही ढंग से नहीं करते हो। इसके अलावा आप लोगों का हाथ जल जाता है क्योंकि कभी कभी आप लोगों को कुछ पूरी तलने के लिए दे दिया जाता है, फ्रेंच फ्राई करने के लिए दे दिया जाता है। आप लोगों से बोला गया जाता है कि चेक करो कि तेल गर्म है नहीं, आप गर्म तेल में ही उंगली डाल देते हो, ऐसा भी होता है। आप लोग कुछ प्याज काटते हो, पहली बार प्याज काटते हो, पहली बार नाइफ का यूज़ करते हो तो आपके हाथ कट जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं, खून निकलने लगता है, तो यही सारी चीज़ें आपके साथ होता है। फिर जब आप अपने घर जाते हो, घर वाले बोलते हैं भाई क्या सीख के आए हो बेटा, तुम दोस्त बोलते भाई अब तो तू शेफ बन गया, अब तो कुछ खाना बना के दिखा हम लोगों को, तो यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होती है जब आप एक होटल में कॉमी का लेवल काम करते हो या किसी एक शेफ़ के लेवल पर पहुँच जाते हो। इसके बाद आपको बुरी बुरी आदतें लग जाती है अगर आप फैमिली से दूर रह रहे हैं, किसी दूसरी सिटी में रह रहे हैं, आप दारू पीना सीख जाते हो, दोस्तों के साथ रह के गुटखा खाने लग जाते हो, ठीक है जी। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे आपका जो सारा समय होटल्स में बीतता है तो आपके ऊपर इतना स्ट्रेस हो जाता है कि आप उसको उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए कोशिश करते हो कि मैं क्या करूँ, तो यही सारी जो गंदी आदतें हैं आपके अंदर आने लग जाती है। तो यही एक कॉमी की या एक बोल दीजिए एक जूनियर शेफ़ की रियलिटी होती है होटल इंडस्ट्री में। मेरी खुद की ये सारी रियलिटीज़ हैं, मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें बयां करी, और जो भी शेफ़ लोग जो सीनियर शेफ़ है जिनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल मेरी इस बात से को मानेंगे कि यही सारी चीज़ें हम भी करते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी खुद की है, कुछ चीज़ों को ले ले, चाहे ड्यूटी टाइमिंग को ले ले या हमसे ज़्यादा सब काम करवाना है, ये सारा हमारे मैनेजमेंट या जो हमारे सीनियर शेफ़ है उनके ऊपर है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर है, ठीक है जी। किसी को ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी को कम पसंद करते हैं, पर आधी से ज़्यादा चीज़ें ये सारी की सारी आपकी ही हैं, और इन चीज़ों को अगर आप लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से सोचने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये कोई इतना मुश्किल और बड़ा काम नहीं है कि आप इन चीज़ों से ना जूझ पाओ। कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट वो काम नहीं करा दिया जाता है जिसकी कि आप पढ़ाई करके आए हो। चाहे आप एक इंजीनियर हो, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, तो डायरेक्ट कोई आपको डायरेक्ट इंजीनियरिंग जैसा काम कराने नहीं लग जाएगा या उसके जैसी सैलरी नहीं देने लग जाएगा। उससे पहले आप लोगों को जो हेल्पर वाले काम होते हैं या इस प्रकार के काम होते हैं जिसमें कि आपको सीखना पड़ता है खुद, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बात होती है कि आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर, क्योंकि जब हम लोग इतने जूनियर होते हैं हम लोग को कुछ भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कुछ भी हमको पता ही नहीं होता एक्चुअल में, जो पढ़ाई कराई गई हो तो अलग बातें हैं, तो हम लोग अपनी काम को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो जो भी मुझे मैं यहाँ पे जो भी मैंने बोला, जो भी मुझे होटल मैनेजमेंट के जो सीनियर शेफ़ देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को यही करना है, जो चीज़ें हमारे सीनियर हमसे गलत करते थे उन चीज़ों को अवॉइड करना है। इवन अगर आप मेरे साथ काम किसी ने करा होगा तो मैं कभी किसी को गालियाँ नहीं देता हूँ, मैं डेली ब्रीफिंग्स करता हूँ कि भाई किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो एटलीस्ट उसको ऊपर लेके आए, कोई शेफ़ किसी को ज़्यादा काम दे रहा है, कम काम दे रहा है, उसे तंग कर रहा है, उसे ये भी लग रहा है कि भाई दूसरे बंदे को ज़्यादा काम से कम काम कराया जा रहा है, मुझसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेम अगर आप लोग सीनियर शेफ़ है तो यही इसी पैटर्न को आप लोग भी अपना सकते हैं, और जूनियर शेफ़ क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं तो आपको यही फॉलो करनी है, ये ना कि आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है आप वही दूसरों के साथ भी करें। कुछ समय पहले एक बात हुई थी मेरे एक स्टूडेंट से, अभी वो JT कर रहे हैं, जयपुर में कहीं है, तो उनको सीनियर लोग बड़ी गालियां देते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आप इस तरीके की कोई एक वीडियो बनाई, तो ये उनके लिए ही है और बाकी उन सब के लिए है जो कि इस चीज़ों से जूझते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा परमानेंट नहीं रहती है, कुछ समय बाद आप लोग देखोगे कि आप खुद ही सीनियर होने लग गए हो और जो जूनियर ट्रेनिंग करने वाले आपसे आ रहे हैं आप उनको ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, क्योंकि आप उस समय आपके अंदर एक सीनियोरिटी वाली पोजिशन आ जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं आप लोगों को प्रॉपरली एक बोला जाए तो एक टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पे करना है, आपको अपनी चीज़ें एक सिस्टम में लेके आनी है, क्योंकि जब भी हमारा शरीर कुछ नई चीज़ें करता है, जैसे कि हम लोग अचानक से कॉलेज में हमने 8-10 घंटे बिताते हैं, अचानक से हम 12-14-16 घंटे करने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी जवाब देने लग जाती है, पर आप देखेंगे कुछ समय बाद वो सेम वही हो जाती है। अभी हम लोग अगर मैं अभी की बात कंपेयर करूँ कि हम लोग अब इतना ज़्यादा काम करते हैं, हम लोग 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, तो हमारे मन में कभी आता ही नहीं कि हम लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, पर वहीं जब हम लोग अचानक से ट्रेनिंग्स के टाइम करते हैं
हम लोग 12 घंटे करते तो हमें लगता है यार मैं 12 घंटे कर रहा हूँ, क्विट करने का दिल करता है, पर एक्चुअल में वो सब चीज़ें फालतू की चीज़ें, इतना उनके बारे में सोचना ही नहीं पड़ता है। सिंपली अपना गोल बनाइए, अपना एम बनाइए कि आपको लाइफ में क्या करना है, उसे फॉलो कीजिए। जो भी आप सीखते हैं, अच्छाइयाँ सीखते हैं, लोगों को वही अच्छाइयाँ सिखाते जाइए, वही सारी चीज़ें लोगों को बताते जाइए और आगे कैरियर में बढ़ते जाइए। तो यही थी एक लाइफ एक कॉमी की होटल इंडस्ट्री के अंदर, और आपको भी सेम इसी लाइफ से गुजरना पड़ेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि चीज़ों में बदलाव हो तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ही बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे आप मुझे लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।